आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। बहुत ही दिलचस्प लेक्चर मैं लिए चलता हूँ, 1925 का है, डॉक्टर अंबेडकर का। और यह सुनने के बाद आप यह जान पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कब और क्यों कहा था कि घनघोर संग्राम करने पर ही इंसानियत, मानवता प्राप्त होगी। उन्होंने कब कहा था कि हमारे लोग बच्चा पैदा करना और शादी करने के अलावा, उनकी शादी करने के अलावा आगे कुछ नहीं सोचते हैं। तो शुरू करने से पहले एक आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ब्लू बटन दबाएं और ये घर घर इस मुहिम को जाना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ, ये कोई कथा नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा छापी गई किताब के ऊपर आधारित है। और इसको जानने के लिए आप देख सकते हैं हिंदी का वॉल्यूम 38 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 24 से लेकर 29 तक। अब चलिए आगे चलते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से इनका तीसरा अधिवेशन 10-11 अप्रैल 1925 को हुआ था। 11 तारीख इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे और 11 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर का भाषण वहां हुआ था। और इस भाषण की जो पृष्ठभूमि है वो केरल में चल रहे वैकाम आंदोलन, ये पृष्ठभूमि है, इसको पृष्ठभूमि में रखकर उन्होंने सभा को संबोधित किया था। उन्होंने जो कहा मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस देश में आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उसमें हमारे लिए अत्यंत प्रिय घटना है वायकम का सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को लेकर मुझे जो विचार सूझे हैं मैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वायकम में, या वायकम कहिए, कौन सा विवाद है यह ज्यादातर लोग जानते हैं। जिस रास्ते पर सभी लोग और जानवर भी जाते हैं उस रास्ते पर हम भी जा सकते हैं, ऐसा वायकम के अस्पृश्यों की मांग है। गौरतलब बात यह है कि यह सत्याग्रह साल भर से अधिक समय तक चलने के बाद आखिरकार असफल रहा। यह सही है कि इस सत्याग्रह से कुछ राजनीतिक नेताओं का नजरिया बदला है। यह अब सिद्ध हो गया है कि पहले राजनीति और फिर सामाजिक बदलाव या सामाजिक क्रांति, यह सोच एकदम नादानी है। क्योंकि राजनीतिक उद्देश्यों में कोई मसला बाधक बन रहा है तो वह है सामाजिक मसला है। सामाजिक मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनको कितना भी स्थगित करने की, टालने की कोशिश की जाए, वह सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिन दिग्गज राजनीतिज्ञों ने सामाजिक मुद्दों को दरकिनार कर केवल राजनीति ही की है और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया है, उन्हें कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सामाजिक मुद्दों की उपेक्षा करके उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की सफलता को मुश्किल बना दिया है। आज की परिस्थिति इसकी गवाही दे रही है। यदि उन्होंने सही समय पर सामाजिक समस्याओं को अपने हाथ में लिया होता तो आज हर जगह दिखाई देने वाली मनमुटाव और फूट दिखाई नहीं देती। इस देश में महात्मा गांधी से पहले यह बताने वाला कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने कहा हो कि इस मनमुटाव और फूट को खत्म करने के लिए हो रहे सामाजिक अन्याय को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण काम है और हर भारतीय को इसे अपना पवित्र कार्य मानकर पूरा करना चाहिए। उनकी दृष्टि में, अर्थात गांधी की दृष्टि में, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं दो नहीं बल्कि एक ही हैं। इसलिए वे हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता के निवारण के बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। लेकिन यहां गांधी की आलोचना भी करते हैं कि गांधी अस्पृश्यता के बारे में सौतेल्यपन का व्यवहार
करते हैं, क्योंकि जितना जोर वे खादी प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देते हैं उतना जोर अस्पृश्यता निवारण के लिए नहीं देते। यदि उन्होंने उतना ही बल दिया होता तो जिस तरह कांग्रेस में उन्होंने यह जिद की है कि सूद के बिना मताधिकार नहीं, उसी तरीके से वे यह भी आग्रह करते कि अस्पृश्यता निवारण के बगैर कांग्रेस में प्रवेश नहीं। अगर ऐसा करते तो बात कुछ और होती। खैर, आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा दिखाई गई सहानुभूति कुछ कम नहीं है, कम से कम इतना तो सहानुभूति वो दिखा रहे हैं। अपनी सहानुभूति के कारण वे वाइकाम गए थे और उन्होंने वहां के ब्राह्मणों के सामने समझौते के लिए 3 सूत्र रखे थे। पहला कि जनता से राय लें, दूसरा यह तय करवा दें कि जिन शास्त्रों में अस्पृश्यता बताई गई है वह सच्ची है या झूठी, तीसरा त्रावणकोर के दीवान को अध्यक्ष बनाकर पंडितों की समिति के द्वारा समस्या का समाधान निकालें। लेकिन खेद और आश्चर्य की बात है कि ये तीनों ही रास्ते ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं थे। तो ये गांधी के आंदोलन की चर्चा करने के बाद आगे डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात कहते हैं कि मैंने इन हिंदू शास्त्रों को नहीं पढ़ा है और मुझे पता है और मुझे पता नहीं कि उनके पेट में कौन सी पहेलियां छिपी हुई हैं। मेरा विश्वास है कि उन शास्त्रों में अस्पृश्यता का उल्लेख है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हमारे धर्माचार्य छाती ठोक कर यह कहेंगे कि व्यवहारिक जीवन में अस्पृश्यता का पालन धर्म है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम सारे शास्त्रों को जलाकर राख कर दें या शास्त्रों को छानकर अस्पृश्यता के बारे में उनके जो फैसले हैं उनको गलत साबित कर दें, और यदि उन फैसलों को हम गलत साबित नहीं कर पाए तो हमें शुरू से लेकर आखिरी तक अस्पृश्यता झेलनी पड़ेगी। अगर यही हमारे धार्मिक नेताओं का दुराग्रह है तो हमें एकदम अलग ढंग से इन शास्त्रों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि सचमुच ही ये शास्त्र सारी जनता का अपमान करते हैं, सरकार को इन्हें पहले ही जब्त कर लेना चाहिए था, वरना स्थिति भयावह होने का खतरा होता है। सभी में बराबरी का रिश्ता बनाकर एक दूसरे की मदद करना और समाज में सद्भाव बना रहे इसका व्यवहार करना ही सामाजिक रचना का मुख्य उद्देश्य होता है। जब यह दिखाई दे कि समाज के कुछ लोग प्रबल होकर दूसरों पर जुल्म करने लगे हैं और समाज की रचना का उद्देश्य ही विफल कर रहे हैं, उस समय हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय बाकी सारे काम छोड़कर ऐसे मदांध लोगों की चोटी पकड़कर उन्हें झुकाना ही समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हम यह मांग नहीं कर रहे कि सभी लोगों को हर तरह से बराबर रखने के लिए सभी को संघर्ष करना चाहिए। हम यह नहीं सुझा रहे हैं कि हम गरीब हैं इसलिए दूसरों का पैसा छीन कर हम दूसरों को भी गरीब बना दें। हमारी मानव जाति को हासिल समान अधिकार मांग रहे हैं, जो नैसर्गिक अधिकार है मानव जाति का, वो अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन उनके मिलने में शास्त्र बाधक बन रहे हैं। जहां जहां इन अधिकारों को छीना गया, दुनिया का फ्रांस और अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि जहां जहां इन अधिकारों को छीना गया वहां वहां बड़े संघर्ष हुए हैं। फ्रांस में उच्च वर्ग के द्वारा अत्याचार किए जाने के कारण
निम्न वर्ग के लोगों ने उनका कत्लेआम किया। अमेरिका में निग्रो लोगों की गुलामी से मुक्त करने के लिए 6 वर्ष तक गृह युद्ध चला। यह सही है कि इस गृह युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन उनकी मौत बेकार नहीं गई। उन्होंने जीवित रहे लोगों के जीवन को सुखद बनाया, कि भावी आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखद बनाया। क्या ऐसा घनघोर युद्ध करने पर ही हमारी छिरी हुई मनुष्यता, मानवता हमें वापस मिलेगी, या किसी सौम्य, किसी शांतिपूर्ण तरीके से काम चल जाए? आगे वो कहते हैं कि अभी यदि इस सवाल को छोड़ दें तो भी हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम पर इतना अन्याय, इतनी उपेक्षा और जबरदस्ती होने के बावजूद हम गूंगे की तरह चुप हैं और गाय की तरह सहनशील हैं, और गाय की तरह सहनशील हैं। हमें उसका कोई दुख नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई एहसास नहीं। आश्चर्य की बात यही है, छोटी सी चींटी पर पांव पड़ते ही वह डसती है, काटती है, लेकिन हम इतने बड़े प्राणी होने पर भी हमें कोई लात मारे तो भी हम पलटकर उसे जवाब नहीं देते। खोजने पर इसके कई कारण दिखाई देते हैं, कारण की व्याख्या अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। एक, हमारे पास ज्ञान और बुद्धि की कमी है। यह जिनके पास थी उन्होंने बल पर हमारे लोगों पर जुल्म किए और हमारी सलाह के बगैर यह तय किया कि हमें फला फला नियमों के अनुसार व्यवहार करना है। ये हम क्या करेंगे ये हमने तय नहीं किया, दूसरे लोगों ने जबरदस्ती और अन्याय के बल पर तय किया। ऐसा व्यवहार करने के लिए अन्यायपूर्ण जबरदस्ती की गई। यह सब हमने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का फल भोग रहे हैं। यह सब हम क्यों भोग रहे हैं? तो हमने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और हमने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर हमारे मनुष्यता रूपी धन का हरण करने वालों को सही समय पर सजा दी गई होती तो आज हमारे लोगों में दिखाई देने वाली अत्यंत शोचनीय और दयनीय अवस्था नहीं होती। हम दाने दाने के लिए मोहताज होकर शर्मनाक स्थिति में दूसरों की याचना करने की नौबत हमें कभी नहीं आती, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करने के बजाय हम पुराने रीति रिवाजों से चिपके रहे और धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हमें प्राण बचा ही नहीं, हम निस्तेज हो गए हैं। इसका कारण यह है कि हमने बच्चों के प्रति माँ बाप का क्या कर्तव्य है इसके प्रति जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। अनावश्यक जिम्मेदारियां अपने सर पर लेने के कारण और उन्हें मन मुताबिक निभा न पाने के कारण हमारे माता पिता बच्चों की बर्बादी का कारण बनते हैं। हमारे माता पिता ही बच्चों के बर्बादी का कारण बनते हैं, ये कह रहे हैं। कहते हैं कि अनावश्यक जिम्मेदारियों में से एक है बाप को बेटे की शादी करनी चाहिए। ये बाप हर समय की बेटे की शादी करनी चाहिए, शादी करके गृहस्थी बसती नहीं कि यहां बच्चों की परंपरा शुरू हो जाती है और चार पांच साल में 1-2 बच्चे हो ही जाते हैं। पहले की शादी हुई नहीं कि दूसरे की शादी आ धमकती है, फिर बच्चों के बच्चों की चिंता होती है। ऐसा उच्च वर्ण के लोगों में भी होता है, लेकिन वहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लड़का स्वावलंबी बने और उस पर पड़ी गृहस्थी की और उसके साथ आने वाले बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह सक्षम हो। लेकिन
हमारे लोग बच्चों की शादी कर देने के अलावा कुछ नहीं करते। एक तो कर्ज लेकर शादी कर देते हैं लड़का अशिक्षित होने के कारण, और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाई करने की योग्यता न होने के कारण वह पहले ही कर्ज के नीचे दब जाता है और उससे गृहस्थी चलाना बनता नहीं। इस दौरान बच्चे होने पर उस पर एक बोझ और बढ़ जाता है। बच्चों को पढ़ाकर अपने से बेहतर स्थिति में लाने की क्षमता उसकी नहीं होती है। अपने बच्चों को अशिक्षित स्थिति में उसी काम पर लगा देते हैं जिस काम में वह लगे होते हैं और उसी की कमाई से अपना गृहस्थी चलाते हैं। आज भी अपने आसपास डॉक्टर अंबेडकर के इस वक्तव्य से आप तुलना करके देखिए क्या यह वक्तव्य सही है या नहीं, अपने आसपास आप देख सकते हैं। आगे कहते हैं कि वह अपने बच्चों को दलदल में धकेल कर डुबो देते हैं। ये तो लड़कों की बात हुई, आगे बात करते हैं लड़कियों की बात करते हैं कि जिस तरह हमारे समाज में मां बाप लड़कों का नुकसान करते हैं उसी तरह वे लड़कियों की जिंदगी में मिट्टी मिलाने का काम भी करते हैं। बच्चों की बचपन में शादी करने से जो नुकसान होता है, लड़के की जो शादी करने से नुकसान होता है, उससे ज्यादा लड़कियों को देवदासी बनाने से नुकसान होता है। हमारे देश में प्राचीन काल से लड़कियों को हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करने की अजीब परंपरा चल रही है और उसका प्रसार कुछ क्षेत्रों में हमारे लोगों पर भी हुआ है। देवदासी मतलब अपना शरीर बेचकर अपने रिश्तेदारों को का पेट भरे, उसको मुरली कहते हैं, देवदासी मुरली कहते हैं। ऐसे लोग जो अपनी बेटियों को देवदासी बनाते हैं वे लोग अपनी लड़की के हितों के ही दुश्मन नहीं है, वे पूरे समाज के दुश्मन है, क्योंकि उनकी इन करतूतों से समाज की पुरानी व्यवस्था यानी परिवार व्यवस्था पर सीधे आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है। एक पति और एक पत्नी का स्वरूप ही वही मान्य परिवार होता है, वही सुकृत परिवार है। इस संस्था को चलाने वाले दंपत्ति जितने शुद्ध सात्विक और स्वाभिमानी होंगे उतने ही उनकी संतान शुद्ध सात्विक और स्वाभिमानी हो सकेगी। एक महिला के बहुत सारे पति हों और एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों यह पारिवारिक पद्धति ठीक नहीं है। यह तो एक कारण है। आगे कहते हैं कि हम आज मानसिक दुर्बलता के कारण ही दूसरे के गुलाम बने हैं। इसका कारण है कि हम अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य को नहीं समझते, नहीं जानते। यदि यह परख होती तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। यह दुख की बात है कि हम में से लोग गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। हमारे कर्तव्य शून्य माँ बाप आगे पीछे विचार न करके बड़ी संख्या में बच्चा पैदा करके गुलामों का बाजार सजाए ही रखते हैं। यह कितने अनर्थ दयनीयता की बात है। आगे कहते हैं कि देखिए परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया था, लेकिन अंबेडकर 1920 के दशक में कह रहे थे। अपना एग्जाम्पल देखे, पिछले वीडियोस में देखेंगे तो मैंने कहा था कि मेरे पिता ही मेरे कष्ट के जिम्मेदार हैं। उस समय ये छोटी फैमिली की बात कर रहे थे कि दो बच्चे होने चाहिए, छोटी फैमिली जिसको आप एक दो बच्चे हों, उस समय बात कर रहे थे। सोचिए सरकार की योजना बाद में आई। आगे कहते हैं कि सज्जनों हम कहते हैं कि हमारी हालत बेहद खराब है, लोग हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, यह सब बातें सही हैं, मगर यह अन्याय खत्म कैसे होगा? आपको स्वीकार करना होगा कि एक बार जब वर्चस्व मढ़ा जाता है तो उसके खत्म होने का उपयुक्त मार्ग यही है कि जिन्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है वो स्मार्ट बने, वो सामर्थ्य हासिल करें और प्रतिपक्ष का मुकाबला करके उन पर हावी होकर उनके चंगुल से छूट जाएं। जिन कारणों से
हमें सयानापन, स्मार्टनेस और सामर्थ्य नहीं है, वे सभी कारण ऊंची जातियों के दबाव के कारण पैदा नहीं हुए, और शायद वैसा हो भी तो उनमें से कुछ कारणों को खत्म करना हमारे हाथ में है। और यहां साइकोलॉजी बात करते हैं, कैसे एक स्पिरिचुअल की साइकोलॉजी क्या होती है। हम लोगों को जितना बेकार भोजन करना पड़ता है उतना किसी और को खाना नहीं पड़ता, लेकिन इस बारे में हमारे लोगों ने कभी शिकायत की नहीं। इतना ही नहीं, इसके विपरीत कई लोग गांव से रोटी के टुकड़े मांगकर लाने पर अभिमान महसूस करते हैं। क्या हमारे लोगों ने इस दरिद्रता के प्रति कोई नाराजगी प्रकट की? इसके विपरीत मरे मुर्दे के कफन के कपड़े लाने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। कई तरह के सवाल डॉक्टर अम्बेडकर उठा रहे हैं कि ये तो हम खुद खत्म कर सकते हैं इसको। सरकार, दरबार, कोर्ट कचहरी में हमें अंदर नहीं लिया जाता, अंदर नहीं बुलाया जाता, मगर हमारे लोगों ने अपने अधिकार छीने जाने के बारे में कभी असंतोष प्रकट किया है? सवाल क्वेश्चन खड़ा करते हैं। नहीं, इसके विपरीत ऊंची जाति वालों में से किसी एक ने हमारी मनुष्यता को सम्मान देकर यदि ऊपर बैठने को कहा तो हम उन्हें यही कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इसी लायक हैं, नीचे बैठने के ही लायक हैं। ये मनोविज्ञान है। हमारे समाज के माता पिता ने अपने असली कर्तव्य को पहचान कर कर्ज लेकर बच्चियों की शादी करना या बच्चियों को देवदासी बनाकर उनकी कमाई से घर चलाना आदि अक्षम्य बातें छोड़ दे और उन्हें ज्ञान संपन्न बनाया तो क्या हमारी हालत ऐसी रहेगी? सवाल। यह सब करना क्या हमारे हाथ में नहीं है? फिर सवाल। अगर हम उन पर अमल करने लगे तो क्या कोई रुकावट डालेगा? नहीं। मतलब कहते हैं कुछ आपको सेल्फ रेसिस्टेंस आपको खुद भी करना पड़ेगा, सब किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा। कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सज्जनों, ओल्ड इज गोल्ड का सिद्धांत जो है ये कहकर काम नहीं चलेगा कि हमेशा पुराना ही सोना है कहकर काम नहीं चलेगा। जो बाप ने किया वही बेटा करे, यह परिपाटी ठीक नहीं है। हालात बदलने के साथ साथ आचार व्यवहार बदलना भी जरूरी होता है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें परिस्थितियों का ठीक से सामना करने की शक्ति नहीं आएगी। केवल वक्त के भरोसे बैठे रहने को हितकारी नहीं कहा जा सकता। वक्त की रफ्तार को देखकर अपने हाथों से जितना काम हो सके उतना करना आवश्यक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वक्त तो बदलेगा लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अब और ज्यादा वक्त को जाने देना हमारे लिए हितकारी नहीं है। इस प्रांत में हमारे लोगों में शिक्षा का बहुत प्रचार नहीं हुआ है। उसी तरह इस प्रांत में इसके उल्टे शिक्षा का, लेकिन तंबाकू का व्यापार वहां हमारे लोगों के हाथों में। कहते हैं कि इस प्रांत में तंबाकू का सारा कारोबार व्यापार हमारे लोगों के हाथों में है, और वह इतना है कि हर एक बड़ी टोकरी के हिसाब से अगर 8 आने दें तो हर साल 5-6 हजार रुपए मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो सका तो इस प्रांत में लड़कों के लिए 15-20 बोर्डिंग शुरू कर सकते हैं, बोर्डिंग स्कूल अच्छी तरह से चल सकते हैं। मेरा हमारे स्थानीय नेताओं से आग्रहपूर्ण निवेदन है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि उन्होंने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया तो आपके द्वारा किया गया यह सम्मेलन और मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। कह रहे थे कि तंबाकू, इसका मतलब ये ना समझ ले कि तंबाकू के कंजम्पशन को प्रमोट कर रहे थे। राज सत्ता का खेल अलग होता है, तंबाकू का उत्पादन हो रहा है तो कह रहे हैं कि जो तंबाकू बेचते हैं उसमें से 8 आने भी अगर बचा के समाज के कार्य में लगाएं तो 15-20 बोर्डिंग स्कूल
बच्चों के लिए खोला जा सकता है। इसलिए संदर्भों में पढ़कर उसको समझने की जरूरत होती है और अम्बेडकर के इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से उनके विचारों का विकास हुआ है। और ये बात है 1925 11 अप्रैल को उन्होंने भाषण दिया था बेलगांव के निपानी जिले में भाषण दिया था। इसलिए पूरे भाषण को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अम्बेडकर नामा एक मुहिम है डॉक्टर अम्बेडकर के ओरिजिनल विचारों को आप तक पहुँचाने की। शुक्रिया साथियों, जय भीम, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, और अगले एपिसोड में जब मैं आऊँगा तब यह मैं बताऊँगा कि अस्पृश्यों की पोलिटिकल चेतना राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए सबसे पहले कब हुई थी सभा और उसमें क्या क्या हुआ था। एक दिलचस्प जानकारी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम।